नमस्कार। क्या आपको पता है भारत में जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, जितने भी स्वयंभू शिवलिंग हैं, या फिर कोई से भी शिवलिंग हो, उनका आकार गोले क्यों होता? वो चौकोर क्यों नहीं है? वो किसी दूसरे शेप में क्यों नहीं है? इसका कभी आपने रीजन जाना? इसका क्या रहस्य है आपने कभी जाना कि आखिर जितने भी शिवलिंग हैं वो गोल आकार में ही क्यों बने हुए हैं? उनकी उत्पत्ति गोल आकार में ही क्यों हुई? आखिर उनको चौकोर भी तो हो सकते थे वो, या फिर किसी दूसरी आकृति में भी तो हो सकते थे। वो गोल ही क्यों हैं? आज इसके पीछे अपन वैज्ञानिक रहस्य देखेंगे। वैज्ञानिक रिसर्च क्या कहती है कि आखिर जितने भी ज्योतिर्लिंग है भारत में, स्वयंभू शिवलिंग है, वो सब गोल क्यों है? वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर रिसर्च किया और पाया कि आखिर जितने भी ज्योतिर्लिंग है, जितने भी शिवलिंग है इंडिया में और हर जगह कहीं पे भी, गोल क्यों होते हैं उसके पीछे ये वैज्ञानिक रिसर्च निकल कर आया। देखिए, शिवलिंग का आकार गोल क्यों, चौकोर क्यों नहीं, आज अपन जानेंगे। भारत में जितने भी ज्योतिर्लिंग व स्वयंभू शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग हो गए भारत में या स्वयंभू शिवलिंग हो गए, या कोई सा भी शिवलिंग देखो किसी भी भारत में किसी भी कोने में जाकर, गोल ही मिलेंगे आपको। आप सभी जानते हैं कि ज्योतिर्लिंग और स्वयंभू जितने भी शिवलिंग है उनके नीचे रेडियो एक्टिव एनर्जी पाई जाती है। ये तो आपको पता ही, और मैंने अपने दूसरे एक दो तीन वीडियो और बनाए हैं, उसमें भी आपको रेडियो एक्टिव एनर्जी के बारे में अच्छी जानकारी दी है। जितने भी ज्योतिर्लिंग है और जितने भी स्वयंभू शिवलिंग है भारत में, उनके नीचे बहुत ही भारी मात्रा में रेडियो एक्टिव एनर्जी पाई जाती है। और यह बात मैंने पहले भी बताई थी कि भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। इन 12 ज्योतिर्लिंग के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है और इनके नीचे बड़ी, पूरी सृष्टि के नीचे बहुत बड़ी भारी मात्रा में रेडियो एक्टिव एनर्जी है। उस रेडियो एक्टिव एनर्जी को ये ज्योतिर्लिंग शांत करते हैं। अगर ये ज्योतिर्लिंग ना होना तो ये सृष्टि ब्लास्ट हो सकती है। इनकी वजह से, इन ज्योतिर्लिंग की वजह से पृथ्वी टिकी हुई है, खुद वैज्ञानिकों ने माना है। इनके नीचे रेडियो एक्टिव एनर्जी पाई जाती है। शिवलिंग को अगर चौकोर कर दिया जाए तो शिवलिंग ब्लास्ट हो सकता है। अब अगर शिवलिंग को अगर चौकोर कर दिया जाए ना, तो नीचे जो इतनी बड़ी 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 भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है ना, उस ऊर्जा से शिवलिंग ब्लास्ट हो सकते हैं। गोल आकार के हो तो ब्लास्ट नहीं होते, अगर चौकोर हो ना तो ब्लास्ट हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऊर्जा को चारों तरफ से मेंटेन करते हैं। अगर आप इसको एग्जाम्पल देखना हो ना तो देखिए, आप कुआ होता है, कुआ गोल क्यों होता है? क्योंकि पानी के घनत्व को चारों तरफ से बराबर करता है, हर दिशाओं से बराबर करता है। अगर कुआं गोल ना हो तो उसका पानी एक जगह इकट्ठा होगा, एक जगह बाहर पड़ेगा, कुआं ढह सकता है। यहाँ पे भी अगर एक जगह होती यहाँ पे भी ढह सकता है, इसलिए ये पानी को चारों तरफ से कुएं की बाहर बराबर मात्रा में लेता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पानी के टैंकर, पेट्रोल के टैंकर हमेशा गोल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें बड़ी भारी मात्रा में ऊर्जा होती है और ये चारों तरफ से हर दिशाओं से उस ऊर्जा को मेंटेन करते हैं। अगर एक तरफ से अधिकतर भार पड़े तो वो उस जगह से ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए अगर पानी के टैंकर हो गए, पेट्रोल के टैंकर हो गए, कोई सा भी लिक्विड अगर ले जाना हो ना तो गोल आकार में ले जाया जाएगा। इसी रीजन से शिवलिंग के नीचे बड़ी भारी मात्रा में रेडियो एक्टिव एनर्जी पाई जाती है। अगर शिवलिंग को अगर चौकोर कर दिया जाए ना तो ये शिवलिंग ब्लास्ट हो सकता है। अब अगर ये गोल है ना, तो इस ये रेडियो एक्टिव एनर्जी की जितनी भी ऊर्जा है ना, ये चारों तरफ अपनी तरफ झेल लेता है, तो ये ब्लास्ट नहीं होता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने माना कि शिवलिंग का आकार इसीलिए गोल आकार का होता है। ये बड़ी भारी मात्रा में अपने नीचे रेडियो एक्टिव एनर्जी को शांत करता है अपने गोल आकार से। पहला कारण तो यह बताया। दूसरा, शिवलिंग जैसा आकार ही दसों दिशाओं में तरंगों का प्रसार कर सकता है। शिवलिंग जैसा आकार होता है ना,
आपको पता है कि बहुत से अधिकतर देखते हैं कि नहीं सर चार दिशाएं होती हैं, चार दिशाएं नहीं होती है, ओवरऑल 10 दिशाएं होती हैं। और खुद वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर 10ों दिशाओं में बराबर मात्रा में तरंगे भेजनी होना तो शिवलिंग जैसा गोल आकार का कोई भी होना चाहिए, और शिवलिंग गोल आकार के होते हैं। और इन गोल आकार होने के कारण जितने भी शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग और स्वयंभू लिंग हैं, इनसे सकारात्मक ऊर्जा निकलती है, खुद वैज्ञानिकों ने माना है। और जब ये सकारात्मक ऊर्जा निकलती है ना, तो ये चारों दिशाओं में फैलती है, पूरी सृष्टि पर फैलती है और पूरी सृष्टि को आनंदमय करती है। आप इसका एग्जाम्पल देखोगे, आप इसका ट्रुथ देखोगे, सच्चाई जानोगे। अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी गूगल, गूगल की एक कार है, आपने नहीं देखी होगी तो स्क्रीन पे देखिए, ये मानव रहित कार है, इसमें कोई चलाने वाला नहीं होती, ये ऑटोमेटिक चलती है। पता है इसके ऊपर एक एंटीना लगा होता है, देखिए आप, वो एंटीना कैसा होता है, गोल आकार का होता है, शिवलिंग के आकार का होता है। तो इतने बड़े रिसर्च करने वाले, इतने बड़े साइंटिस्ट, इन्होंने उस कार के ऊपर सीलिंग के टाइप गोल आकार का एंटीना क्यों लगाया? क्योंकि वो कार अपनी कार अंदर से तरंगे फैलाती है चारों तरफ, उस तरंगे से वो ऑपरेट होती है और रिमोट कंट्रोल से चलती है। तो वो जो तरंगे होती है ना, वो गोल आकार से चारों तरफ फेंकती है, इसीलिए गूगल की मानव रहित कार के ऊपर एंटीना होता है ना, वह सीलिंग के आकार का होता है, ये आप देख सकते हो। तो यह बात खुद वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर आपको 200 दिशाओं में कोई भी तरंगे फैलानी हो ना, तो उस का आकार शिवलिंग जैसा होना चाहिए। और आपको पता ही है ज्योतिर्लिंग, स्वयंभूलिंग आकार गोल आकार के हैं, इसे 200 दिशाओं में निरंतर सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। तो आज आपने जाना होगा कि वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार शिवलिंग का आकार गोल क्यों होता है, इस कारण से गोल होता है, भगवान शिव स्वयं ब्रह्मांड हैं, भगवान शिव के कारण ही यह पूरी पृथ्वी टिकी हुई है, अगर यह ना हो ना तो पूरी पृथ्वी ब्लास्ट हो सकती है, इतनी धरती के अंदर रेडियो एक्टिव एनर्जी पाई जाती है। शिवलिंग का आकार गोल होने के कारण यह रेडियो एक्टिव एनर्जी को शांत करने का काम करती है।